हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोसिक्स, वेयर ट्रूथ एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है सैंड रीडिंग। इससे भी पहले मैंने सैंड रीडिंग्स में कर चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हो। अभी ये सैंड रीडिंग्स क्या होता है, सो डेफिनेटली यू विल कम टू नो फ्रॉम दोज प्रेडिक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो होता है ना, ये एंशिएंट टेक्निक्स होते हैं डेफिनेटली फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता था कि पहले ज़माने में जो इंडियन अमेरिकन थे, ठीक है, दे यूज़ टू डू दिस प्रैक्टिस दिस टेक्निक, और जो भी अफ्रीकन्स थे, इवन इजिप्शियंस ऑल्सो यूज़ टू प्रैक्टिस दिस टेक्निक, क्योंकि जहाँ पे भी सैंड उनको ज़्यादा मिल जाता था, तो दिस वॉज द टेक्निक विच वॉज यूज्ड, ठीक है। सो इसको हम यूज़ करेंगे, देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं एंड वॉट यू नीड टू हियर राइट नाउ फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑफ कोर्स दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, बट दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। सो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट। सो यूनिवर्स में डेफिनेटली आँख बंद करके जो भी पैटर्न्स यहाँ पे होगा, इसके आधार पर ही मैं प्रेडिक्शन दूंगी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं। आइसिस, प्लीज हेल्प मी आउट। ओके, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बिल्कुल महसूस हो रहा है, एक तो यहाँ पे जो सिंबल्स बनते हुए दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक दैट आई डोंट नो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम अबव, बट मुझे जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है वो है कि एक कंट्री का या एक जगह का या एक रीजन का एक मैप जैसा, एक लेआउट जैसा बन रहा है। समथिंग देयर इज अ टेम्पल या कोई मस्जिद या कोई गुरुद्वारा या कुछ है यहाँ पे, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यस, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, या दो यहाँ पे दो मतलब फासला है, दो जगह के अंदर बीचों बीच में एक फासला है, मतलब देर इज़ अ बॉर्डर, ओके, इन बिटवीन दिस टू एरियाज। तो हो सकता है कि आपके पर्सन या आपके बीचों बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। सो यूनिवर्स अभी बोल रहे हैं कि इस दोनों को, जिस तरह से एक ब्रिज, यहाँ पे देखो एक ब्रिज, इस तरह से एक ब्रिज जिस तरह से दोनों को कनेक्ट करते हैं, सो कि दो एरियाज को कनेक्ट करते हैं। सो ऑफकोर्स आपके और आपके पर्सन के, आपके और आपके पार्टनर के जितना भी मनमुटाव है वो डेफिनेटली गायब हो जाएंगे। सो डिफरेंसेस जितना भी थे वो कम होता जाएगा। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स मिलने वाला है। कुछ डाउट्स अगर आपके मन में हैं, सो ऑफ कोर्स आपको उस बारे में भी जवाब आपको मिलेगा। अगर आप इस तरह से देखें तो आई कैन सी अ बैलेंस, मीन्स जिस तरह से जजमेंट का कार्ड होता है या जिस तरह से जस्टिस का कार्ड होता है, कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप चाहते हो कि एक फेयर ऑनेस्ट रिलेशनशिप आपके ज़िंदगी में आए, तो ऑफकोर्स यहाँ पे देखो दिस एरिया एंड दिस एरिया आर सिमिलर, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया सिमिलर है, तो ऑफकोर्स आपके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगा, कोई भी आपके साथ बिट्रेयल नहीं होगा, कोई भी आपके साथ डिसेप्शन नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ रिश्ते को निभाए थे तो ऑफकोर्स आपको रिसीव भी होगा उसी इक्वल अमाउंट में। ये जस्ट इट्स लाइक अ मिरर रिफ्लेक्शन, जो भी आपने किया है, फॉर एग्जांपल दिस इज द कर्मा एंड दिस इज द रिजल्ट, आपका एक्शन और आपका रिजल्ट यहाँ पे है, ओके। दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि समन हो सकता है कि ये रीडिंग देखते वक्त और या हो सकता है रीडिंग देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा 0-0 या 10-10 काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र में आए, ठीक है, व्हाट आई कैन फील इज लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे है डायमंड जैसा यहाँ पे फॉर्म हुआ है,
सो मे बी डायमंड से दो चीज होता है, एक तो इफ यू गो एज पर द टैरो कार्ड्स दे आर द टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन साइंस एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर ये डायमंड है तो आपकी किस्मत जो है वो डेफिनेटली चमकने वाला है, ठीक है, बिकॉज डायमंड ऑलवेज स्पार्कल, ठीक है। सो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो सी लेटर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आई लेटर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यू लेटर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एल लेटर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। मुझे इस तरह से ये भी एक स्ट्रक्चर नज़र में आ रहा है कि जहाँ पे यू आर गोइंग टू विजिट सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हो। मुझे आपको नहीं लग रहा है ये कोई टेंपल का या कोई पुराने आर्किटेक्चर का, जिस तरह से मुझे यहाँ पे पिक्चराइजेशन हो रहा है या विजुअलाइजेशन हो रहा है कि जहाँ पे आप बहुत पुराने जगह पे गए हो, आइदर मंदिर पे या कोई भी आर्किटेक्चर पे, जहाँ पे आर्किटेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्डिंग्स का जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, आप गए होंगे और बहुत ज़्यादा आप इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। सो यू मे बी विजिटिंग सर्टेन प्लेसेस, हो सकता है वो आउट ऑफ द स्टेट हो, सिटी हो या कंट्री हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है दो आँखें दिख रहा है, दो आँखें मतलब पेयर ऑफ आईज। सो डेफिनेटली समवन इज स्टॉकिंग यू थ्रू द सोशल मीडिया, हो सकता है कि स्टॉकिंग कर रहा है या डायरेक्ट आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन है, मे बी योर बॉस इज ऑब्जर्विंग योर वर्क, किस तरह से आप काम करते हो उसके ऊपर हो सकता है कि आपका प्रमोशन या तरक्की या इंक्रीमेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, या योर पार्टनर्स आईज, मे बी यू आर राइट नाउ सेपरेटेड, आप सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से एंड नाउ दे आर लुकिंग एट यू, मे बी आप अपने आप को बदल रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट ग्रोथ डेफिनेटली आपके लिए वेट कर रहा है। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे मे बी यू विल बी वेयरिंग सर्टेन वाइट क्लोथ्स और ग्रे कलर का क्लोथ्स हो सकता है, या हो सकता है कि यस लिटिल बिट पर्पल कलर या ब्राउन कलर का क्लोथ्स हो सकता है, या जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे या हो सकता है 10 से 11 बजे के बीच में देखो, रात के समय पे हो सकता है या सुबह के समय पे, आई डोंट नो, पर सब लोग मत बोल देना कि नहीं जिस दौरान पब्लिश हुआ था तभी देखा, नहीं, ये भी हो सकता है कि आपको 10-10 दिखाई दे, या विद इन 10 वीक्स या 10 मंथ्स आपके लिए बहुत कुछ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ओके। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे इस तरह का महसूस हो रहा है, इट्स लाइक अ कार, लिमोजिन कार मुझे दिख रहा है। मैंने आपको बताया था एक एक पर्सन एक एक तरह का चीज़ देखते हैं, लिमोजिन कार जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, और वो एक लग्जरी कार माना जाता है। सो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, आपके अंदर वो टैलेंट है, वो एबिलिटी है कि आप सक्सेसफुल बनोगे एंड डेफिनेटली आप जो भी डिज़ायर कर रहे हो, देखो लोगों का जो डिज़ायर्स है या वांट है उनके लाइफ में, ठीक है, वट एवर दे वांट, ओके, वो डेफिनेटली उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, कोई सोच भी सकता है कि बंगलोस का, कोई सोच सकता है कार का, कोई सोच सकता है स्टेबिलिटी का लाइफ में, लग्जरी का, पैसे उड़ाने का, ठीक है, खर्चा करने का, तो वो चीज़ डेफिनेटली आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। आई डू फील इट्स अ लिमोजिन का, अभी लोगों को क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, बिकॉज इट्स साइकोलॉजी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल सी इट, बिकॉज ये परसीव एक एक लोग एक एक तरह से करते हैं, ओके। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल महसूस हो रहा है, समथिंग फॉर्मिंग एज अ ट्राइंगल शेप फॉर्म, एज अ यहाँ पे देखो इट्स फॉर्मिंग अ ट्राइंगल लाइक, तो हो सकता है कि इट्स पॉसिबल कि मे बी देर इज़ अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, मे बी आपके और आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा, ठीक है, अवेकन होना है, मे बी आप जानते हो मे बी आप नहीं जानते हो, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है, कि यह हो सकता है कि आपके काम में कोई दखल अंदाजी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी, कोई आपके मतलब पीठ पीछे, ठीक है, आपको बैक स्टैप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका तरक्की रुक जाए, सो यू नीड टू गेट अवेयर कि वो कौन हो सकता है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, इट्स फॉर्मिंग अ स्पाइरल,
ठीक है, स्पाइरल स्पाइरल ज़्यादा है यहाँ पे। इसका मतलब है आपके दिमाग में बहुत कुछ एट ए टाइम चलता है और उससे वजह से ना आपका दिमाग कभी कभार घूम जाता है। सो स्टॉप फोकसिंग ऑन अनवांटेड इश्यूज, जो भी अनवांटेड है आपके लाइफ में उसके ऊपर फोकस करना आप लोग बंद करना, ठीक है। नाउ लेट मी सी इनवर्स दिस। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइस एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, किन के साथ, ओके, व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ। ओके, यहाँ पे जो zigzag हो रहा है या यहाँ पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आदर तो ये किसी का मुंह है जहाँ पे दिस इज द अपर लिप, दिस इज द लोअर लिप, दिस इज द अपर लिप, दिस इज द लोअर लिप, या ये हो सकता है दिस, किसी किसी का यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके अपर लिप्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है या लोअर लिप्स काफ़ी ज़्यादा थिन है या उल्टा भी हो सकता है ना समथिंग, मतलब आपके लिए इस तरह से कुछ टेम्पटेशन, कुछ ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं जिसको शायद आप निगलने की कोशिश करो, जिसको शायद आप स्वालो करने की कोशिश करो। बट ये आपको याद ये बिल्कुल रहने चाहिए कि वो ऑफर्स आपके लिए सुटेबल है या नहीं, ठीक है। और जिस तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ फर्न ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज मुझे नज़र में आ रहा है, बहुत लंबे लंबे पेड़ नज़र में आ रहा है। तो मे बी ट्रीज ऑफकोर्स रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी, ठीक है, फाउंडेशन। जिस तरह से एक पेड़ अगर बहुत लंबा पेड़ है तो उसका वो कितना डीप जाता है, ज़मीन के अंदर जाता है, तो उसका बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो उसको जड़ से हिलाना मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने लाइफ में इतना ज़्यादा तरक्की करोगे, आप अपने लाइफ में इतना अच्छे से सेटलमेंट होंगे कि कोई भी चाहे देखिए उसको तोड़ नहीं पाएगा एंड आपके रिश्ते में भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती आएगा। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस इट्स लाइक समवन इज स्टैंडिंग ओवर हियर एंड डेफिनेटली इज कमांडिंग यू, या ये हो सकता है किसका फेस यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा गुस्से में है, हो सकता है कि आप हो या आपके बॉस हो सकते हैं या आपके घर वाले हो सकते हैं जो थोड़ा सा आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छे है तो डेफिनेटली आपके आप उनके बात डेफिनेटली सुने। इट्स लाइक द हायरोफेंट जहाँ पे एक फादरली फिगर हो सकता है कि आपको बोले कि आप ये चीज़ करें जिंदगी में, या आपको कुछ ट्रेनिंग दे, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द फेस और नॉट। यहाँ पे आंखें दिख रहा है, यहाँ पे लिप्स दिख रहा है, सो ऑफकोर्स यू नीड टू हियर। यहाँ पे कुछ कैक्टस वाला कुछ चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, अभी मैंने इसको तोड़ दिया, यहाँ पे कैक्टस वाला कुछ चीज़ है, तो हो सकता है यू मे नीड टू विजिट, ठीक है, द डेजर्ट एरिया, हो सकता है रेगिस्तान पे आप विजिट करो या रेगिस्तान के आसपास आप रहते हो, ठीक है। जिस तरह से कैक्टस में मैं आपको बताती हूँ बहुत समय तक पानी के बिना भी वो चल जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपके लाइफ में आप बहुत कुछ सिचुएशन से एडजस्ट करना सीख जाओगे। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, बहुत कुछ इस तरह से होगा, आपके जो डेस्टिनी है ना मुझे नहीं दिख रहा है कि स्ट्रेट वे है, इट्स लाइक ए zigzag वे, ठीक है, इट्स अ zigzag कि थोड़ा सा आपको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब अगर आप कर लेते हो तो ये जो चीज़ है आपके लिए बहुत बड़ा फॉर्चून आपके लिए वेट कर रहा है, ओके। सो आई कैन सी दैट लोग आपको ऑफर्स दे सकते हैं, इररेजिस्टिबल ऑफर जो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओ, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की भी ज़रूरत है, ओके। कुछ हवा बदलने वाले हैं आपके ज़िंदगी में, ठीक है। वो गाना मुझे अभी याद आ रहा है, ये हवाएं कुछ कह रही है, वो गाना डेफिनेटली आप सुन लेना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस एंड आई होप यू लाइक इट। एंड थोड़ा सा हम देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल सुनने चाहिए ताकि आपको भी थोड़ा सा एश्योरेंस हो। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या बिल्कुल सुनना चाहिए, व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ। रिमेन पॉजिटिव, देखो मैंने आपको बताया था कि देखो अबंडेंस आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है।
अब बताओगे अभी मैम का उंगली का क्या हुआ. यहाँ पे देखो, समथिंग इज गोइंग टू बी ऑफर्ड टू यू, सो रिमेन पॉजिटिव. हंसी खुशी जिंदगी में रहिए, बहुत अच्छा होगा आपके साथ. यस, सो यू विल सक्सीड. कोई किसी का रिस्पॉन्स का अगर इंतज़ार कर रहे हो तो वो यस, वो प्रोफेशनल दुनिया का हो सकता है, आपके निजी जिंदगी दैट इज आपके पर्सनल लाइफ भी हो सकते हैं, वहाँ पे यस है. वाओ, लेट गो. देखो पास्ट को लेके प्लीज बैठे नहीं रहना है, यू हैव टू. यहाँ पे देखो स्पाइरल 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 भी यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी आ रहा है. लेट गो, जाने दो, पीछे छोड़ो. ठीक है, बहुत पास्ट चीज को पीछे छोड़ना है. रोमांस, वाओ, मैंने आपको बताया था टू ऑफ कप्स का एनर्जी है यहाँ पे, कि आपको आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपका मिलन होने वाला है. यू आर, मैंने आपको बताया कि सक्सेसफुल आप होंगे, हर एक फील्ड में आप सक्सेसफुल होंगे. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, हो सकता है इसीलिए 11-11 दिख रहा था, ये 1 का ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, या 10-10 मैंने आपको बताया था. सो ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर हो सकता है. मैंने आपको बताया था द वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल्स, इट्स ऑल अबाउट मीटिंग पीपल. ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि कोई ऊंचा यहाँ पे खड़े हुए है, कोई कमांड कर रहा है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, जो आपको सही दिशा दे. ठीक है, आपको पता है ना गणेश जी का वो किस्सा, जहाँ पे गणेश जी और कार्तिक जी थे और उनको बोला गया था आप पूरी दुनिया का चक्कर खा के आओ, देखते हैं कौन जीतता है. कंपटीशन हुआ था, जहाँ पे क्या हुआ था, गणेश जी को कहाँ कहीं पे नहीं गए, वो अपने माता पिता को ठीक है जो है ना राउंड राउंड घूम लिए, और कार्तिक जी क्या किए, पूरी दुनिया इधर उधर फ्लाई करके फिर आए. ठीक है, फिर बोला कि मैं जीत गया. तो गणेश जी बोले मैं तो कब का जीत गया, बोले कैसे, तो दुनिया हमारे माता पिता ही है. ठीक है, वो सराउंडिंग, तो वो आपको हमेशा आपके साथ है. ओके, एंड डेफिनेटली उनका ब्लेसिंग्स आपको बहुत अच्छा काम देगा. अ ईयर फ्रॉम नाउ यू कैन मीट समवन, यू कैन गेट योर जॉब, यू कैन स्टडी अब्रॉड, आपका ट्रैवल हो सकता है. ऑन डेफिनेटली वर्ल्ड मीन्स द इंटरनेट कनेक्शन, ऑनलाइन किसी के साथ मिलना हो. ठीक है, इस सारे सिचुएशंस जो है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, वो एक साल के अंदर हो सकता है कि आपको रिलीफ मिल जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग गाइज, एंड आई होप यू लाइक इट. सो इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डेफिनेटली टैरोट 6, वेर यू कैन गेट वैरायटी ऑफ रीडिंग्स लाइक दिस. So please subscribe, share and do comment in the comment section. Love you all and take care guys.